जय माता दी। शारदीय नवरात्रि महाअष्टमी महानवमी व्रत कब है आइए जानते हैं। किस पे सवार होकर आएगी माँ दुर्गा, आपको बताते हैं इसके बारे में, क्योंकि नवरात्र हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएँ। वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं, अंत तक देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। आइए जानते हैं सन 2024 शारदीय नवरात्रि महाअष्टमी महानवमी व्रत कब है। नवरात्रि 3 अक्टूबर से आरंभ होकर 11 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि में चतुर्थ तिथि की वृद्धि और नवमी तिथि का क्षय है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आशीवान शुक्ल प्रतिपदा से यानी 3 अक्टूबर से हो रही है। तिथियों की घटबढ़ के बाद भी इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन का रहेगा। नवरात्रि में चतुर्थ तिथि की वृद्धि और नवमी तिथि का घटना हो रहा है। 11 अक्टूबर और महानवमी और 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि शुक्ल प्रतिपदा की शुरुआत 3 अक्टूबर को माँ दुर्गा के आह्वान के साथ होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से 9:30 तक रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त के दिन 11:37 से 12:23 तक अति शुभ रहेगा। शाम में तक भी आप घट स्थापना आप लोग कर सकते हो, ये भी शुभ मुहूर्त रहेगा पूरे दिन। सुबह घट स्थापना का विशेष महत्व है। नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 11 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि में चतुर्थी तिथि की वृद्धि और नवमी तिथि का घटना है, इसलिए 11 अक्टूबर को ही महाअष्टमी और महानवमी का व्रत दोनों किया जाएगा। महाअष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को सुबह 7:29 पर लगेगी, जो 11 अक्टूबर को सुबह 6:52 पर रहेगी। इसके बाद 6:52 से नवमी तिथि लग जाएगी और 12 अक्टूबर की भोर में 5:47 पर रहेगी। उसके बाद दसवीं तिथि लग जाएगी। दसवीं का हवन पूजन नवमी में करना चाहिए। इस बार माता का आगमन डोली पर हो रहा है, जिसका फल अतिशय कष्ट व विपत्ति है। माता का गमन हाथी पर हो रहा है, जिससे अत्यधिक वर्षा होगी। अतः इस बार माता का आगमन और प्रस्थान दोनों ही शुभ है, बहुत ही शुभ माना जा रहा है। नवरात्रि का पारण 12 अक्टूबर को होगा। महागौरी माता अन्नपूर्णा की परिक्रमा 11 अक्टूबर को सुबह 6:52 से शुरू होगी। नवरात्रि व्रत का पारण उदयाकालीन दशमी को 12 अक्टूबर को होगा। शाम में माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। महाअष्टमी व्रत 11 अक्टूबर को रहेगा और पारण 12 अक्टूबर की भोर 5:47 से पूर्व करना होगा। 9 दिनों का व्रत रखने वाले व्रत का पारण 12 अक्टूबर की सुबह 6:13 पे बाद करें। महानिशा पूजन निश्चित काल में 10 व 11 अक्टूबर को करें। इस तरीके से इस बार शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बार माता दुर्गा डोली पर आएंगी और हाथी पर विदा होंगी, जो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करें, एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो लेकर आती रहूँ, जानकारी लेकर आती रहूँ और मेरे को सपोर्ट मिलता रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।